अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी डेवलप करता है किसी किसी डिवाइस में, बट जब भी हीट जनरेट होती है वो हमेशा लाइट के साथ एसोसिएटेड होती है। आपने ये सुना होगा लोगों को बोलते रेड हॉट आयरन, दैट मीन्स कि आयरन इतना हॉट था कि वो रेड कलर का दिख रहा था। अब हम इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम स्टार या फिर सन की बात करें। हमें पता है कि स्टार और सन के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर की वजह से लाइट एमिट होती है, और आप सबको पता है सनलाइट वगैरह के बारे में। अब इसी कंसेप्ट को हम देख सकते हैं हमारे घर में यूजिंग दिस डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल बल्ब। अब इलेक्ट्रिकल बल्ब का काम यह है कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है, राइट? तो अगर आप इलेक्ट्रिकल बल्ब में देखो तो अंदर एक फिलामेंट होता है, एक वायर होता है जो कि टंगस्टन मटेरियल का बना होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होगी इस वायर में। अब अगर हीट जनरेट होगी और अगर हम उसे स्टोर करके रखें फॉर सम टाइम तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और जब मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँच जाता है तो ये लाइट एमिट करने लगता है। तो बल्ब जो है वो लाइट एमिट करता है क्योंकि हीट जनरेट होती है। अब यहाँ पे हमें जो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने की है वो ये कि जो मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है। हम लोग हर दिन बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनके पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और बहुत सारे फिगर्स या नंबर्स होते हैं। अब ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं? वेल, आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है 220 वोल्ट, 5 एम्पियर एक्सेट्रा। तो अब हम देखते हैं ये है क्या। वेल, ये जो नंबर्स हैं ये किसी भी डिवाइस की रेटिंग बताते हैं। रेटिंग से मेरा मतलब है वोल्टेज रेटिंग, करेंट रेटिंग, या फिर किस पावर के लिए वो ऑपरेट करेंगे। सो सपोज अगर किसी डिवाइस की वोल्टेज रेटिंग वी वोल्ट्स है या फिर उसकी करंट रेटिंग आई एम्पियर्स है, दैट मीन्स कि अगर हम उस डिवाइस को मैक्सिमम वी वोल्ट या फिर आई करंट में ऑपरेट करते हैं तो डिवाइस प्रॉपरली वर्क करेगी। अगर हम उसकी करंट रेटिंग को या फिर वोल्टेज रेटिंग को एक्सीड करते हैं तो हो सकता है कि हमारी डिवाइस प्रॉपरली काम ना करें। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा जो चार्जर है लैपटॉप का, जो यूजुअल चार्जर होता है, उसकी अप्रॉक्सीमेटली रेटिंग अगर हम अज्यूम करें ऐसी है 240 वोल्ट एंड 1.5 एम्पियर। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बता रही है कि हमें हमारा जो चार्जर है उसको मैक्सिमम 240 वोल्ट और 1.5 एम्पियर देना पड़ेगा। अगर इसकी जो करंट है वो किसी तरीके से एक्सीड हो जाती है तो हमारा चार्जर जो है वो जल सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है या फिर कुछ डैमेज हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि अभी तो हमारे पास एक रेटिंग है, कई बार ऐसा होता है कि दो रेटिंग्स दी होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि इस रेंज के बीच में हम अपने डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम जूल्स लॉ की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्यूज वायर। अब इस वायर का यूज करके हम अपने डिवाइसेस या सर्किट को प्रिवेंट करते हैं फायर या डैमेज से। हमने अभी देखा था कि हर डिवाइस की कोई रेटिंग होती है और अगर हम एक्सीड करते हैं उस रेटिंग को तो हमारी डिवाइस जो है वो डैमेज हो सकती है या फिर फायर लग सकता है। तो इस सिचुएशन को बचाने के लिए हम ये फ्यूज वायर यूज करते हैं। तो इसको समझने के लिए आप ये सर्किट देख सकते हो। यहाँ पे हमने एक 2 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज वायर लगाया है और ये हमारी डिवाइस है जो कि 1.5 एम्पियर में वर्क करती है प्रॉपरली। अब अगर किसी रीजन से मान लो हमारा करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये फ्यूज वायर की रेटिंग 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर तक तो सर्किट नॉर्मल वर्क करेगा, बट उसके बाद टेम्परेचर जो है इस वायर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वायर मेल्ट होगा ये सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया है तो करंट फ्लो नहीं होगा और डिवाइस जो है वो हमारी बच जाएगी। यहाँ पे बस इम्पॉर्टेंट बात जो है समझने की वो ये कि यहाँ पे जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वायर के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है।